नेपाल ने जीता दिल तो उधर नामीबिया ने फाड़ा बिल। एक समय लग रहा था नेपाल के मुट्ठी में है जीत, लेकिन बाद में नामीबिया ने चलाया जादू। तो आज नेपाली राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम को ट्रायंगुलर T20I सीरीज के पहले मैच में नामीबिया के खिलाफ 20 रन से हार का सामना करना पड़ा है। लीग टू के तहत पहले दोनों वनडे मैच हार चुका नेपाल लगातार तीसरे मैच में नामीबिया से हार गया है। नामीबिया द्वारा दिए गए 207 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल 18.5 ओवर में 186 रन ही बना सका। बताएं कि कमजोर शुरुआत के बाद मध्यक्रम में कुछ आतशी पारी देखने को मिले, उसके बावजूद नेपाल को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब फिनिशर की भूमिका निभाने वाले बल्लेबाज ही नहीं चले तो मैच को नेपाल भला कैसे जीतता। दीपेंद्र सिंह हैरी ने 32 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए और 19वें ओवर में 9वें विकेट के रूप में आउट हुए। इसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर अभिनाश बोहरा भी बोल्ड हो गए और नेपाल की हार पक्की हो गई। इससे पहले पारी की पहली गेंद पर सलामी बल्लेबाज कुशल भुटेल को खोने वाले नेपाल ने तीसरे ओवर में आसिफ शेख को भी खो दिया। दोनों रूबेन ट्रम्पलमैन के शिकार बने। तीसरे विकेट के लिए कप्तान रोहित पौडेल और कुशल मल्ला ने 28 गेंदों पर 57 रनों की साझेदारी कर नेपाल को मैच में बनाए रखा। नेपाल के लिए कप्तान रोहित ने 42 रनों का योगदान दिया। उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं कुशल मल्ला ने 21 गेंदों में 32 रन जोड़े। उन्होंने 21 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। लेकिन 9.5 ओवर में कुशल के आउट होने के बाद नेपाल उम्मीद के मुताबिक रन रेट नहीं बढ़ा सका, लेकिन अहम वक्त पर सोमपाल के तेज तर्रारी 26 रन के चलते नेपाल ने फिर से गेम में वापसी की। लेकिन अंत में इस मैच को नामीबिया ने जीत लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नामीबिया ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 206 रन जोड़े। नामीबिया के लिए निकोल लॉफ्टी ईटन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक पूरा किया। आखिरी ओवर में कैच आउट होने से पहले उन्होंने 36 गेंदों पर 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 101 रन बनाए। उन्होंने 33 गेंदों में शतक पूरा कर नेपाल के कुशल मल्ला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुशल ने 2023 के 19वें एशियाई खेलों में मंगोलिया के खिलाफ 34 गेंदों में शतक बनाया था। नामीबिया के ओपनर मलान क्रूगर ने 48 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 59 रन बनाए। लॉफ्टी ईटन और क्रूगर ने 54 गेंदों पर 135 रनों की साझेदारी की। नेपाल ने आखिरी 9 ओवर में 140 रन खर्च किए और नेपाल हारने की असली वजह यही था। अब बुधवार को यानी कल दूसरे मैच में नेपाल का सामना नीदरलैंड से होगा।